नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई ने नई गाइडलाइंस इशू करी है। यानी कि अब आप अपना, अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसका आप अब नेटवर्क चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क का मतलब हो गया, जैसे कि आपने जो भी क्रेडिट कार्ड ले रखा है वो या तो रुपए पे होगा या वीज़ा पे होगा या मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस या डिनर क्लब, ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बैंक और कार्ड नेटवर्क में क्या अंतर है। देखिए, बैंक तो कोई भी हो सकता है, SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है। लेकिन जो कार्ड नेटवर्क होता है वो लिमिटेड चॉइस है इंडिया में। यानी कि आपके पास सिर्फ 5 ही चॉइस है कार्ड नेटवर्क की इंडिया में, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, डिनर क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस। तो अभी जो RBI की गाइडलाइन है उसके अंदर आप कार्ड नेटवर्क में इंटरपोर्टेबिलिटी कर सकते हो। मतलब अगर आप वीज़ा का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप वीज़ा की जगह मास्टर कार्ड को अपना सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात क्या रहता है कि क्रेडिट कार्ड में आपको हमेशा देखिएगा कि एक नीचे एक लोगो बना रहता है, या तो मास्टर का, वीज़ा का, चाहे आप कोई सा भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए स्टार्ट करी गई है। और मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिया में सिर्फ 5 ही ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। अब उनमें से भी आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हो। वीज़ा का ले रखा है तो मास्टर कार्ड में जा सकते हो, वीज़ा का ले रखा है तो रुपए में जा सकते हो। इस तरीके से आप, जैसे आप मोबाइल की सिम इंटरपोर्टेबिलिटी करते हो वैसे ही आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ है, बैंक इंटरपोर्टेबिलिटी अलाउ नहीं करी है। मतलब यानी कि अगर आपका HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो वो HDFC का ही रहेगा। ये नहीं है कि आप चाहें कि SBI या एक्सिस बैंक में मैं उसको कर लूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हमारी कंपनी है connecting.finserv। हम कॉरपोरेट DSA प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी तरह की पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की लीड हमें प्रोवाइड करते हैं और वो लोन डिसबर्स हो जाता है तो हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरह के लोन की रिक्वायरमेंट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मेरा वीडियो अपने WhatsApp ग्रुप पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।